सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 253वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाद हमने पीछे प्रारंभ किया था, उसका प्रथम अधिकरण और उसका प्रथम सूत्र हमने देखा था पूर्व पक्षी। उससे पहले भूमिका के रूप में चर्चा चल रही थी, प्रकरण है स्वर्ग कामाधिकरणम, स्वर्ग की कामना, ये अधिकरण यहाँ पर चलाया गया। विषय वाक्य थे हमारे दर्शपूर्ण मासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेता अथवा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता। यहां पर कामना प्रधान है या तो याक प्रधान है, गुण कौन है, प्रधान कौन है, स्वर्ग प्रधान है या याग, ये चर्चा यहां पर चल रही है। तो स्वर्ग का आया तो स्वर्ग कहते किसको है, स्वर्ग किसका वाची है, द्रव्य का वाची है या प्रीति का वाचक है, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो इसमें पूर्व पक्ष हमने देखा और उसमें बीच बीच में सिद्धांति ने भी अपनी बातें रखी। तो वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से कैसे किसी वाक्य में क्या क्या अर्थ निकल के आ सकते हैं या कोई ले सकता है, जो कि सामान्यतः हम नहीं लेते लेकिन फिर भी कोई ऐसा कर सकता है, और कैसे इसका अर्थ निकाला जाए। शब्द के आधार पर जब हम अर्थ करते हैं तो ये तो सिद्धांत है कि पदार्थ पूर्वक वाक्यार्थ होता है, पद के अर्थ के अनुरूप वाक्यार्थ होता है, और वाक्यार्थ पद के अर्थ का व्यभिचार नहीं करता है, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सी बातें जो पदार्थ मात्र के ज्ञान से नहीं होती, पदार्थ मात्र का ज्ञान करके जो वाक्यार्थ निकलता है अगर वहीं तक ही हम सीमित रहे तो वाक्य वक्ता का प्रयोजन और वाक्यार्थ बोध वो कहीं हमारा छूट जाता है। तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी, शब्द कह रहा है शब्द के अनुसार ही वाक्य का भी अर्थ ले रहे हैं, लेकिन तो भी वो सब क्यों कहा जा रहा है या क्या होना चाहिए, उसमें जो हम परिवर्तन करते हैं ये संभव है या नहीं है, जैसा पदार्थ के अनुसार वाक्यार्थ निकल करके आ रहा है उससे क्या मतलब जा रहा है, वो ठीक है या नहीं है, ठीक नहीं है तो फिर जो परिवर्तन करना होता है, ये आगे की विशेष बातें होती हैं। अगर हम यहीं पर ही अटक जाए कि शब्द के अनुसार जो वाक्य का अर्थ आ रहा है बस वही कह रहे हैं, तो बहुत जगह हम वाक्यार्थ को, वाक्यार्थ बोध को, वक्ता ने किस दृष्टि से ये वाक्य कहा है उसको हम चूक जाएंगे, तो फिर हम शब्द और वाक्य भाषा जैसा लिखा है उसी पर केंद्रित रह जाएंगे। लेकिन मनुष्य जब कभी भाषा बोलता है तो वो केवल शब्दों में निहित नहीं होती है, शब्दों के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजों में निहित होती है, और आधुनिक भी जो भाषा विज्ञान है वो भी इस बात को कहता है। दूसरी भी चीजें इसमें सम्मिलित हैं कि वो ये तात्पर्य है जो मीमांसा की तरफ से निकाला जाता है आगे पीछे का सोच करके, उस विवेचना के साथ साथ या उस विवेचना के बिना भी, तो कहते हैं कि जी शब्द से जो बोध होता है वो तो 30-40% होता है शब्द से और वाक्य से, बाकी जो चीजें हैं कि वो वाक्य किस प्रसंग में बोला गया था, एक ही वाक्य भिन्न भिन्न प्रसंग में वही शब्द है, शब्दार्थ वही है, वाक्य भी वही है, वाक्यार्थ भी है, लेकिन किस प्रसंग में बोला गया है वो अलग अर्थ को दे देगा। अर्थात पदार्थ की, वाक्यार्थ की, पदार्थ के अनुसार जो वाक्यार्थ करते हैं उसकी अपनी एक सीमा आती है, हम केवल उस पर निर्भर नहीं रह सकते,
उसके अतिरिक्त भी बिंदु हमें सोचना होगा, नहीं तो हम बस 30-40% ही ठीक अर्थ को जान पाएंगे, बाकी चीजें हम कुछ गलत समझ जाएंगे, कुछ और हमारे को समझ में आ जाएगा। तो किस परिस्थिति में है, किस प्रसंग में बोला गया, किस व्यक्ति के द्वारा बोला गया, वक्ता कैसा है, बोलते समय का उसका हाव भाव कैसा है, वाक्य में ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव आते हैं वो कैसे हैं, उसके हाथ के हाव भाव में ही आ गया चेहरा हाथ, इनके संकेत क्या हैं, उस सब से भी अर्थ आता है। और ये सब होते हुए भी साथ में यदि जो अर्थ निकल करके आ रहा है जैसा हम ले रहे हैं और वो घट नहीं रहा है वहां पर, तो फिर से हमें विचार करना होता है कि क्या यही अर्थ है इसका, ये तो घट नहीं रहा है, यहां पर संभव नहीं लग रहा है। तो ऐसे में कुछ परिवर्तन हम बीच बीच में पीछे भी देख करके आए हैं कि किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, कि नहीं यहां इसका ये अर्थ लिया जाना चाहिए, वो एक विशेष शैली है। तो आधुनिक जो भाषा विज्ञान है उसमें फ्रांस के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, नाम तो मैं अभी भूल रहा हूं, पीछे काफी उनका नाम आया था, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, पितामह माने जाते हैं आधुनिक भाषा विज्ञान के, चॉम्स्की, चॉम्स्की, हाँ आपने ठीक नाम कहा, धर्मवीर जी ने भी पीछे काफी चर्चा की थी और पूना में गोष्ठी हुई थी, चॉम्स्की जो फ्रांस के में है, तो अभी पता नहीं जीवित है या नहीं है, लेकिन है काफी बड़ी अवस्था के। उनका कहना है, उन्होंने भाषा विज्ञान दुनिया भर की भाषाएं और वो सब उन्होंने पढ़ी हो, उन्होंने संस्कृत और इससे भी जानकारी, यहाँ जो हमारा व्याकरण है और मीमांसा है इन सब के आधार पर भी, हमारा नाट्य शास्त्र है वो सब भी, हावभाव भंगिमा में के द्वारा भी तो कथाएं हो ही जाती हैं, नृत्य है, वो हमारे यहाँ विकसित हैं शैलियाँ, वो शब्द नहीं बोलते हुए भी आजकल भी वो करते हैं, मिमिक्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है माइम, अच्छा, तो कुछ भी बोलते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, हाव भाव से ही हम प्रकट करना चाहते हैं और एक सीमा तक हम कर भी पाते हैं, पर हाँ शब्द के साथ में तो जो बोला जाता है उसका तो कहना ही क्या है, वो तो अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन है, पर इसके अतिरिक्त भी चीजें होती हैं। तो उनका, चॉम्स्की जी का उनका इस तरह कहना है कि जिन बातों तक आज का भाषा विज्ञान नहीं पहुंचा है उन बातों पर भारत का जो प्राचीन शास्त्र है, मीमांसा है, व्याकरण है, निरुक्त है, और ये उससे भी आगे पहुंच चुके हैं और इतने सैकड़ों या हजारों साल पहले वो इस बात तक पहुंच चुके हैं, अभी उनसे हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। भाषा के ऊपर काम करना तो हमने अब शुरू किया है, कुछ सौ सालों का उनका इसमें यत्न है, लेकिन हमारी परंपरा में तो बुद्धिवान ऋषि लोग, हमारी परंपरा भी क्या गए, वो तो पूरे विश्व की परंपरा थी, लेकिन हमारे यहाँ पर वो बची हुई है और जगह समाप्त तो प्राय हो गई, वहाँ बचे नहीं क्योंकि स्रोत यहाँ पर था इसलिए बचा हुआ रह गया। तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने भाषा का बहुत अध्ययन किया है, सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे ठीक अर्थ तक पहुँचे, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और उसका मुख्य कारण यही था क्योंकि वो वेद को समझना चाहते थे, ईश्वर की वाणी को अधिक से अधिक ठीक तरह समझना चाहते थे, इसलिए उस लक्ष्य के आधार पर वहाँ जो समस्याएं आती थी लोगों को उसका उन्होंने समाधान किया, प्रयास किया, अभिव्यक्त की, लोक में देखा, ये देखा, तो वो उनका मुख्य विषय बना रहा था ईश्वर को ध्यान में रख करके। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग यहाँ मीमांसा में आते रहते हैं जो हमें लगता है कि देखो कैसे जा करके इन्होंने अर्थ किया, सामान्य दृष्टि से हमें लगता है कि ये तो कुछ गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे, लेकिन सारी विवेचना को करके हमें लगता है नहीं, ये बिंदु भी विचारणीय है, इस तरह भी कई जगह पे अर्थ निकलते हैं और वो उचित है, हमें समझ में आ जाता है कि नहीं ये ठीक है, कई बातें हमें आज भी ठीक नहीं लगती, पता नहीं कैसे कर दिया ये, तो होता है हर शास्त्र में होता है कि हम अभी उस गहराई को नहीं पकड़ पाए, वो परंपरा में हम तक नहीं आ पाया कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ करते हैं, तो हम कभी बार थोड़ा समझ पाते हैं, कई बार अच्छा समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा वो चीज़ें विशेष रूप से कही गई हैं, अभिव्यक्त की गई हैं और उसमें सुधार हो सकते हैं और उसकी अच्छी व्याख्याएं हो सकती हैं। तो ये भी एक प्रसंग है हमारा, वाक्य तो सामान्य से है, दर्शपूर्ण मास अभ्यम स्वर्ग कामो यजेता और ज्योतिष्टो मैंने स्वर्ग कामो यजेता, मन में इसका अर्थ अब तक पढ़ते ही आए हैं और इसके अर्थ करने में हमें कोई कठिनाई भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर परिचर्चा की गई कि देखें कि क्या है दोनों पक्षों को। तो कुछ बातें तो हमने पीछे देखी, अब आगे का नया पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 1500।
तराण में। पंद्रह सौ तिरानवे दूसरा सूत्र, ये सिद्धांति का सूत्र है। असा असाधकम तू तादर्थ्यात्। पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था कि स्वर्ग शब्द द्रव्य का वाचक है, प्रीति का वाचक नहीं, द्रव्य का वाचक है, तो उसको ये यहां पर हटाना चाहते हैं। तो कहा कि ये जो स्वर्ग अगर आप द्रव्य मानोगे तो ये यागादि का साधक नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी याग स्वर्ग को द्रव्य मान करके उसको गुण मान रहा था और याग को प्रधान मान रहा था। इसका मतलब है कि स्वर्ग कारण बन रहा है, साधन बन रहा है और याग साध्य बन रहा है। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि असाधकम तू तादर्थ्यात्, ये जो स्वर्ग है ये याग का साधक नहीं हो सकता, ये द्रव्य नहीं है, ये याग का साधक नहीं हो सकता। क्यों? तादर्थ्यात्, वो तो याग इस स्वर्ग के लिए है, स्वर्ग याग के लिए नहीं है। और अगर यदि याग स्वर्ग के लिए है तो स्वर्ग प्रधान होगा और याग गौण होगा, गुण होगा। भाष्य देखिए, तो तू शब्द ने पक्षों पर आवर्तित थे, पूर्व पक्षी का पक्ष हटा रहा है। तथा एतत् तावत् वर्णयन्ति, अब इसमें यह वर्णन कर रहा है, सिद्धांति का पक्ष है, प्रीति ही स्वर्ग इति, ये इनकी प्रतिज्ञा है कि स्वर्ग क्या है, प्रीति है बस। कुतः एवं उक्तम भवता, आपने ये कहा था कि प्रीति विशिष्टे द्रव्ये स्वर्ग का स्वर्ग शब्दो वर्तते इति। सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, आपने ये कहा था कि स्वर्ग शब्द द्रव्य में वर्तमान है, लेकिन किस द्रव्य में वर्तमान है? तो बोले प्रीति विशिष्ट द्रव्य में, जिस द्रव्य से प्रीति होती है, प्रेम होता है, यानी हमारे सुख मिलता है, उस द्रव्य में स्वर्ग शब्द कहा जाता है। प्रीति विशिष्ट द्रव्य में स्वर्ग शब्द प्रयोग होता है, ये आपने कहा था। यद्यपि यदि ऐसा है तो अब सीधे सीधे मान भी नहीं रहा है, लेकिन उसके अनुसार अभ्युपगम से मान के अब बात को सिद्ध करते, ऐसा है तो ठीक है, इस दृष्टि से देखते हैं। देखो, यद्यपि पूर्वम तरही प्रीतो वर्तितुम अर्हति, ये जो शब्द है स्वर्ग पहले प्रीति में वर्तमान होगा और फिर द्रव्य में वर्तमान होगा। स्वर्ग शब्द यदि प्रीति विशिष्ट द्रव्य को कह रहा है तो पहले किस में वर्तमान होगा? ये प्रीति में वर्तमान होगा, स्वर्ग में बाद में वर्तमान होगा, द्रव्य में बाद में वर्तमान होगा। स्वर्ग द्रव्य है या प्रीति है, ये तो चर्चा चल रही है, तो पहले प्रीति में वर्तमान होगा, बाद में द्रव्य में वर्तमान होगा। ताम ही सन व्यभिचरती, क्योंकि ये जो स्वर्ग शब्द है ये उस प्रीति का कभी भी व्यभिचार नहीं करता। अब उसको वो दंडी वाले उदाहरण में भी देख लीजिए कि पूर्व पक्षी ने दंडी का उदाहरण दिया था कि दंडी शब्द पुरुष को कहता है, दंड को नहीं कहता। अब प्रथम दृष्टया ठीक है, दंडी शब्द पुरुष को कहता है, दंडवान को कहता है, ना कि दंडे को कहता है। लेकिन सिद्धांती दूसरे ढंग से क्या कह रहा है कि यदि ये जो दंडी शब्द है ये पहले दंड में वर्तमान होता हुआ फिर पुरुष को कह रहा है, ठीक है या नहीं? दंडी शब्द जब हम दंडवान कह रहे हैं तो पहले किसमें वर्त रहा है? ये शब्द पहले किसकी तरफ संकेत कर रहा है? पहले दंड को केंद्रित करेगा, संकेतित करेगा, फिर दंड वाले को कहेगा, तो पहले कहां गया? दंड को कहेगा। तो आप कह रहे हो कि प्रीति विशिष्ट ये द्रव्य है तो उससे इतनी सी बात पकड़ करके अपनी बात को सिद्ध करेगा? तो प्रीति विशिष्ट द्रव्य कह रहे हो तो ये शब्द स्वर्ग शब्द पहले तो प्रीति को कहेगा, और आप इतना तो मान ही रहे हो कि प्रीति को भी संकेतित करेगा। पूर्व पक्षी प्रीति को उड़ाई रहा था, कह तो रहा था प्रीति विशिष्ट द्रव्य, लेकिन बोले द्रव्य को केंद्रित कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा ये पकड़ लिया कि ये पहले प्रीति को कहेगा। तो यदि एवं पूर्वम तरी प्रीतौ वर्तितुम अर्हति, ताम ही सन व्यभिचरति, और साथ में ये सिद्धांत अपनी बात कह रहा है कि वो इस प्रीति को का कभी भी व्यभिचार नहीं करता है। प्रीति में पहले वर्तमान होगा स्वर्ग शब्द, और कभी भी जब जब स्वर्ग शब्द का प्रयोग होगा वो प्रीति का व्यभिचार नहीं करेगा। ताम ही सन व्यभिचरती, व्यभिचरती पुनर्द्रव्यम, लेकिन द्रव्य का तो व्यभिचार कर देता है। जिस द्रव्य को आप आज स्वर्ग नाम से कह रहे हो, चंदन है, कौशेय वस्त्र है, अब किसी को चंदन से एलर्जी हो जाए तो
वो कहेगा कि चंदन स्वर्ग है, नहीं। और कोई कहे कि कश्मीर स्वर्ग है और वहां आतंकवाद फैला हुआ हो और जीवन मरण का हो, तो कोई कहेगा कि कश्मीर स्वर्ग है? तो द्रव्य को तो व्यभिचार कर जाता है स्वर्ग, लेकिन प्रीति को कभी भी व्यभिचरित नहीं करता। तो व्यभिचरिति पुनर्द्रव्यम यस्यैव प्रीति साधन से द्रव्यस्य वक्ता स्वर्ग शब्द तदेव यदा न प्रीति साधनम भवति तदा न स्वर्ग शब्देन अभिधीयते। बोले जिस तरह से आपने कहा यस्यैव प्रीति साधनस्य द्रव्यस्य वक्ता, जिस प्रीति के साधन द्रव्य को कहने वाला स्वर्ग शब्द है, वह ही तदेव मतलब वह द्रव्य ही जब प्रीति का साधन नहीं होता है तो वहां पर स्वर्ग शब्द से नहीं कहा जाता है। वो तो भी विचार हो गया ना इसका, उसी द्रव्य को कभी स्वर्ग कहते हैं कभी स्वर्ग नहीं कहते। तस्मात प्रीति वचनो अयम, इसलिए यह शब्द तो प्रीति का ही वाचक है, द्रव्य का वाचक नहीं है। यत्तु उक्तम दंडी पदिति, और जो आपने कहा था कि दंडी के समान है यह, तो बोले सोपि प्रतीते शब्दात दंडे दंडिनी प्रत्ययम आदधाति। बोले वह शब्द भी शब्दात दंडे प्रतीते, ऐसे अन्वय करेंगे, प्रतीते शब्दात दंडे, शब्द से दंड के प्रतीत होने पर दंडिनी दंड वाले में प्रत्ययम आदधाति अर्थ का बोध कराता है, सीधे दंडी पे पुरुष पे नहीं पहुंच सकता वो, ये शब्द की बात देता है। अंतर्गत तत्र दंड शब्द, क्योंकि दंड शब्द तो वहां अंतर्गत है, स दंड से वाचक है, और वो दंड शब्द दंड अंतर्वर्ती जो है वो दंड का वाचक है, उसका बोध कराता है। यह पुनः स्वर्ग शब्द एवं प्रीतेर अभिधाता, लेकिन यहां स्वर्ग शब्द में तो ऐसा नहीं है, ये तो सीधे प्रीति को कहने वाला है। दंडी में ठीक है, वहां पर भी दंड है साथ में और दंडी को कहता है, उसमें हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये तो उस तरह का उदाहरण नहीं है। स्वर्ग शब्द तो केवल प्रीति को ही कहता है। यह पुनः स्वर्ग शब्द एव प्रीते रभिताता प्रीति वचनश्चेत, और यदि ये स्वर्ग शब्द प्रीति वचन है, मतलब ये सिद्ध हो रहा है, ये आशंका मैं नहीं कह रहा है, अपने तर्क युक्ति के बाद में पूर्व पक्षी की आशंका को ध्यान में रखते हुए चेत शब्द लगा रहा है, प्रीति वचनश्चेत यागो गुणभूत है प्रीति साधनम, तो ये तो निश्चित है कि याग तो गुणभूत होगा और प्रीति जो है उसका प्रीति प्रधान होगी, मतलब स्वर्ग प्रधान हो जाएगा। तो पूछ पूछ कहता कुतः ऐसे कैसे हो गया, प्रीति अर्थ वाला होते हुए प्रधान कैसे हो गया? तो बोले तादर्थ्यात पुरुष प्रयत्न से, पुरुष के प्रयत्न के उसके लिए होने से, प्रीति के लिए होने से। सूत्र में जो तादर्थ्यात शब्द है उसको खोल रहे हैं, पुरुष प्रयत्न कोई भी प्रयत्न, याग भी एक प्रयत्न है, प्रयत्न साध्य है, वो तो उदाहरण हो गया, लेकिन सामान्य रूप से भी कोई भी पुरुष का प्रयत्न प्रीति के लिए ही होता है। तो तादर्थ्यात पुरुष प्रयत्न से, इसी को आगे कह रहे हैं, प्रीत्यत्न ही पुरुषो यतते, पुरुष प्रीति के लिए ही यत्न करता है, स्वर्ग के लिए ही प्रयत्न करता है, सार्वभौमिक सार्वत्रिक सिद्धांत है, इसका कोई अपवाद ही नहीं है। तेना न प्रीतिर याग साधनम इति विज्ञायते, इसलिए प्रीति तो याग का साधन नहीं हो सकती, याग को करने का साधन नहीं हो सकती, द्रव्यम ही याग साधनम, द्रव्य याग का साधन हो सकता है, न रीते द्रव्यात यागो भवति, बिना द्रव्य के याग नहीं होता है। क्यों? यस्मा द्रव्य देवता क्रिय यजति शब्दों वर्तते, कि यजति जो शब्द है याग, यज धातु जो है वो किसमें वर्तमान होती है, द्रव्य देवता और क्रिया इसमें विद्यमान रहती है, द्रव्य भी चाहिए देवता भी चाहिए और त्याग रूप क्रिया या अन्य जो भी संबंधित क्रियाएं हैं वो भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, यज्ञ का मतलब ही यही होता है, है? हाँ, यहां द्रव्य देवता क्रिय लिखा हुआ है, विचारने की बात है, यहां द्रव्य देवता क्रिय क्यों लिखा है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है, द्रव्य देवता क्रिय और फिर सप्तमी का क्रिय। हाँ, यस्मा द्रव्य देवता क्रिय यजति शब्दों वर्तते, आगे अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है असत्याम भी प्रीत्याम भवति याग। बोले आपने कह रहे हो कि प्रीति होगी तो याग करेगा, बोले बिना प्रीति के भी याग होता है, प्रीति से याग होता है क्या? बिना प्रीति के भी तो याग होता है,
व्यक्ति कर्म नहीं करता, याग तो प्रतीक हो गया, और बहुत सारे कार्य करता है जिसमें प्रीति नहीं होती है, फिर भी करता है, उसको किसी भी तरीके से करवाया जाता है, डंडे से कराया जाता है, भय से करता है या जो भी है, लेकिन करता है, कोई प्रीति से ही करता हो ऐसा तो नहीं है। पर हमारे यहां ये भी कहा जाता है भय भी हो तो होतना प्रीत। अब वो कौन सी प्रीति है? भय से जो प्रीति होती है वो प्रीति प्रीति है क्या? लेकिन कहते नहीं, भय से भी प्रीति हो सकती है, भय बिन हो तो न प्रीति, भय बिन प्रीति न हो गोसाई, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब यहां प्रीति का क्या मतलब है? नहीं, स्वार्थ है, भय होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, अब जो दंड रखते हैं, भय रखते हैं कि भाई आप मार्ग में ऐसे चलो, बत्ती का उल्लंघन ना करो तो आपको इतना दंड देना पड़ेगा, इतने रुपए, 1,000, 2,000, 5,000। अब ये भय आ गया दंड का, उसके बिना उनको नियमों के चलने में प्रीति नहीं होती है, तो बाद में प्रीति हो जाती है ना। प्रीति हो गई, प्रीति हो गई, लेकिन फिर भी उसको एक ढंग से प्रीति कहा जाता है, प्रीति कहा जाता है, अनुशासित हो गया दंड के कारण से भी। विदेशियों को कहते हैं ना भाई, इनके नियम के अनुशासन के प्रति उनकी निष्ठा बड़ी गजब की है, और उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उनकी प्रीति है, वो सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, अपने आप ही बिल आ जाता है उनके घरों पे, और जब्त तो हो जाता है उनका लाइसेंस, अगर ज्यादा वो करो तो बड़े अनुशासित लगते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनकी अनुशासन प्रियता है, बहुत बड़े बड़े अनुशासन प्रिय है। तो एक दृष्टि से तो वो प्रियता नहीं है, उचित मान करके जो करता है अच्छा लगता है तब तो प्रियता कह देते हैं, लेकिन ये भी एक प्रियता होती है। धर्म भीरु होते हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था, वो सबको ध्यान में रखते हुए भी अगर प्रीति कर रहा है कोई, तो अच्छी बात है, उसको समझ में आ गई है कि दंड मिलेगा, अच्छा है कि ये करूं तो उस तरह भी प्रीति हो जाती है। फिर जैसे भी हो, चलो। तो पूर्व पक्षी कह रहे, असत्याम अपि प्रीत्याम भवति याग, याग तो बिना प्रीति के भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा बहुत से लोग याग करते हैं बिना प्रीति के करते हैं। प्रीति होती है तो रुचि होती है व्यक्ति की, और रुचि होती है तो उसके वो प्रसन्न होता है, उसके हाव भाव अलग होते हैं, और प्रीति रुचि नहीं होती है तो उसके हाव भाव अलग होते हैं। तो याग करते हुए भी कोई ऐसे देखे जाते हैं ना, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई याग में उबासियां ले रहा है, किसी को नींद आ रही है, कहीं दूसरा काम कर रहा है इधर उधर, तो ये सब देखा जाता है, तो लगता है कि प्रीति तो नहीं है इनकी याग में। अगर प्रीति होती तो इनका याग को करने का तरीका, व्यवहार वो कुछ अलग होता, भिन्न भिन्न प्रीति से अलग अलग प्रकार से वो कर्म किए जाते हैं, हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं। तो असत्यम अपि प्रीत्याम भवति याग। अब सिद्धांति कहता है, यदि च यागो न प्रीत्यर्थो भवेत असाधकम कर्म भवेत। बोले अगर याग प्रीति के लिए नहीं हो गए तो वो असाधक कर्म हो जाएगा, सिद्ध कुछ नहीं करने वाला है। अगर प्रीति के लिए नहीं है तो व्यर्थ है वो, फिर अगर प्रीति के लिए नहीं है तो व्यर्थ है वो, क्यों करेगा कोई व्यक्ति? ये भौतिकवादी बात है या आध्यात्मिक बात है? एक भौतिकवादी कहता है, बोले जी ये काम कर दो तो मेरे को क्या मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे, मेरा इसमें क्या लाभ, क्यों करूं मैं क्यों करूं इस काम को, क्या मैं आपकी बात क्यों मानूं, ये व्यापार क्यों करूं, वहां जगह क्यों जाऊं, इससे क्या फायदा है? हर चीज में लाभ हानि देखता है व्यक्ति, तो ये कौन सी दृष्टि कहलाती है? भौतिकवादी, पाश्चात्य दृष्टि। ठीक है, क्यों देखो, मैं क्यों करूं, ये तो स्वार्थी व्यक्ति है। वहां भी ये नियम उतना ही जोर से काम करता है, इतना ही व्यापक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक लोगों को देख लो, कहा कि ये करो, तो देखते भाई ये क्यों करूं मैं, ये मेरी मुक्ति में साधक है क्या, सहायक है क्या, क्यों करूं, नहीं ये तो मेरी मुक्ति में बाधक हो जाएगा, नहीं करूंगा मैं। तो कौन नहीं देखता? तो अगर वो प्रीति के लिए नहीं है, हाँ ये अंतर है कि भौतिकवाद में प्रीति अन्य विषयों के प्रति और आध्यात्मिक में प्रीति अन्य विषय के प्रति, बस यही मुख्य भेद है। वही आदमी का स्वभाव तो वही है, साधन वही है, तो चलेगा तो वो वैसे ही,
वो मूलभूत सिद्धांत तो कहीं नहीं छूटेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा वहां भी दिखाई देगा यहां भी दिखाई देगा। दुख से हटेगा, सुख को चाहेगा, सुख के साधनों को चाहेगा, दुख के साधनों को। हाँ, ज्ञान का भेद है किसको वो प्रीतिकारक मानता है किसको नहीं मानता है, उससे भेद होगा, लेकिन मूल बात तो हर जगह ये की है मिलेगी। तो बोले यदि याग प्रीत्यर्थ नहीं हो तो वो तो असाधक हो जाए, और साधा ही तारम ना अधिक अच्छेत, और जो सिद्ध करने वाला है करने वाला है उस तक वो फल ही नहीं पहुंचेगा, क्या फायदा होगा। यो ही प्रीत्यर्थ स साध्यते न अन्य, जो प्रीति के लिए होता है वो ही सिद्ध किया जाता है, अन्य कोई नहीं सिद्ध किया जाता है। कैसा वाक्य है, स्वार्थी वाक्य या परोपकारी वाक्य, भौतिकवादी वाक्य या आध्यात्मिक वाक्य, कितने सिद्धांत हैं जूं के तू हर जगह लगेंगे। भौतिकवादियों के लिए आजकल हम कह देते हैं ये तो बहुत अनौपचारिक है, कई बार कई अनौपचारिक भी होते हैं, बोले बहुत शिष्टाचार रखते हैं, ये करो वो करो, ये नमस्ते करो वो तो धन्यवाद दो क्षमा मांगो, और ये बहुत बहुत और यश और प्रशंसा शिष्टाचार, इसने मेरे से ढंग से मेरे उचित व्यवहार किया है नहीं किया, बहुत कुछ देखते हैं वहां पर, और उससे बहुत ऊंच नीच होती रहती है। और ऐसा ही आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है, वो की वो बातें यहां पर भी मिलेंगी, लेकिन वो अलग, उसका परिवेश अलग है, लेकिन बातें वो की वो मिलेंगी सारी की सारी। तो कहा कि यो ही प्रीत्यर्थ है स साध्य थे नान्य, सर्वतंत्र सिद्धांत है ये बिल्कुल, यो ही प्रीत्यर्थ है स साध्य थे नान्य। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु कर्तव्यतया याग श्रूयते, बोले ठीक है प्रीति के लिए नहीं, लेकिन कर्तव्य के रूप में तो सुना जा रहा है, अब ये शास्त्र को पकड़ रहा है, ये शास्त्र जिसको कर्तव्य के रूप में कह रहा है वो व्यर्थ कैसे हो सकता है, शास्त्र भक्त हुआ ना, शास्त्र भक्ति दिखाएगा। अब देखो पूर्व पक्षी और सिद्धांति शास्त्र के प्रति भक्ति नहीं दिखाएगा, देखो कैसे। तो बोले ननु कर्तव्यतया याग श्रूयते, सिद्धांत कह रहे उच्यते सत्यम कर्तव्यतया श्रूयते कामोपि कर्तव्यतया अवगम्यते, बोले ठीक है याग कर्तव्य के रूप में है यजेत, लेकिन काम भी तो यहां पर कर्तव्यता के रूप में कहा जा रहा है, अब काम कर्तव्यता के रूप में कैसे कहा जा रहा है। अब शब्द से जो हम अर्थ निकालते हैं वाक्यार्थ निकालते हैं उसमें तो याग कर्तव्य के रूप में है, ये सिद्धांत कह रहा है नहीं कामना भी यहां पर कर्तव्य के रूप में कही गई है, ये कामना कैसे कही गई है कर्तव्य के रूप में, ये तो वाक्य तो नहीं कह रहा है इसको, ये शब्द तो नहीं कह रहा। तो कामों भी कर्तव्यतया अवगम्यते, इसमें पूर्व पक्षी कहता है आह श्रुत्या यागस्य वाक्येन कामस्य, बोले श्रुति से तो याग की कर्तव्यता आ रही है, हाँ वाक्य से आप काम की कर्तव्यता स्वीकार कर लो, वो तो वाक्य से आएगी, क्या वाक्य से कैसे आएगी कि स्वर्ग की कामना वाला याग से उसको प्राप्त करे, याग के द्वारा स्वर्ग की कामना वाला प्राप्त करे, स्वर्गम भावयेत यागे ने स्वर्गम भावयेत, तो ठीक है। तो यहां पर काम की कर्तव्यता, दूसरे ढंग से देखिए इसको कि इसको कहते हुए कोई व्यक्ति याग करता नहीं है और उसको यह वाक्य बोला जा रहा है स्वर्ग कामो यजेता, वो कहेगा कि मेरे को तो स्वर्ग की कामना ही नहीं है, मेरे को आप ये उपदेश दे क्यों रहे हो, ठीक है हम विद्यालयों में जाएं कहीं जाएं कि भाई योग अभ्यास किया करो उससे मुक्ति की प्राप्ति होगी, बोले मुक्ति की इच्छा ही नहीं है आप हमारे को क्यों ये सिखा रहे हो, हमारे लिए तो व्यर्थ है, सोचा ही नहीं है। तो वक्ता का क्या अभिप्राय होता है, मूल ये मुक्ति की इच्छा करें, स्वर्ग की इच्छा करें और उसका उपाय ये योगाभ्यास है, यही तो प्रयोजन होता है, क्यों बोल रहा है व्यक्ति वहां पर, उसको चाहिए ही नहीं मुक्ति की कामना ही नहीं है तो क्यों बोल रहा है वहां पर, उसके पीछे भाव छुपा हुआ है कि वो चाहता है कि इनको मुक्ति की इच्छा हो जाए, इनको स्वर्ग की इच्छा हो जाए, और उसका साधन साथ में बता रहा है। जैसे कि आजकल कुछ सफाई के साधन आते हैं उसमें कहें कि इससे ये जीवाणु मर जाता है, इससे ऐसी सफाई होती है, इससे ये कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं, इतने चमकदार हो जाएंगे। अब वो बंपर ने जीरा है भाई मैं उसको तो जीवाणु विषाणु दिखाई नहीं देते, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बोले कि क्यों करूं मेरे को आवश्यकता ही नहीं है, नहीं फिर उसको भी बताया जाता है देखो इससे ये हो जाता है ये हो जाता है, आप इच्छा करो कि आपका घर ऐसा साफ रहे, आप इच्छा करो और फिर इच्छा करो और ये करो, इसका साधन का उपयोग लो। अब इसको हम भौतिकवाद बोलते हैं,
क्या कहते हैं, इच्छा आविष्कार की जननी होती है, एक सामान्य नियम हुआ, इच्छा आविष्कार की जननी होती है। तो पहले भाई इच्छा है तो आविष्कार हो जाएगा, लेकिन ये विज्ञापन वाले भौतिकवादी जो कंपनियां और ये क्या करते हैं, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन पहले तो इच्छा पैदा करते हैं हमारे अंदर, विज्ञापन ऐसे देते हैं और फिर अपना माल देते हैं कि लो ये आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये दे रहे हैं। भाई इच्छा तो किसकी होती है, आवश्यकता है उसी की तो इच्छा होती है। हाँ तो आवश्यकता पैदा कर दी तो इच्छा पैदा हो जाएगी। ये हमारे को जताते हैं कि नहीं आपको इस चीज की आवश्यकता है, आपके घर में ये चीज होनी चाहिए, आपकी गाड़ी इतनी महंगी होनी चाहिए, इस सुविधा वाली होनी चाहिए, पहले ये जताया जाता है उन विज्ञापनों में और फिर चीजें बेची जाती हैं। बोले ये भौतिकवाद का जाल है, अपनी चीजें बेचने के लिए ये किया जाता है, नहीं तो हम अपने आप में खुशी थे। पहले तो ये बताया जाएगा कि मोबाइल आपके लिए आवश्यक है और फिर दे दो, अब हम दीवाने होके मोबाइल लेके घूम रहे हैं। अरे हमारे पूर्वज भी तो बिना मोबाइल के रहे थे 100-150 साल पहले, कोई हमारे जीवन में दिक्कत थी क्या, वो अच्छे थे, जी रहे थे, ऐसी भाषा में बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उस कामना को नहीं जानता तो उसको जनाया जाता है। वे आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं फिर, और वो क्या करते हैं, अब उधर तो हम उनको आरोप कर देते हैं क्योंकि हमें पाश्चात्यों को, भौतिकवादियों को, फैक्ट्री को और ये सब विज्ञान को हमको गालियां देनी है। तो उसका सूत्र एक ये भी मिलता है कि ये जबरदस्ती हमारे में पहले तो कामना करते हैं और फिर बिकवाते हैं, गलत भी होता है। जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, कुछ जगहों पे ठीक भी बैठता है, कुछ जिनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन जबरदस्ती हमारे अंदर उसको उत्सुकता पैदा करके, और कोई उपयोगी नहीं है लेकिन खरीद पाते हैं, खरीद लेता है, फिर लगता है ये तो फालतू में यूं ही आगे खरीद ले, वो भी गलत है। लेकिन अगर उचित ढंग से किया जा रहा है, जो आवश्यकता है, कितनी चीजें हैं जो उन्होंने की और बहुत अच्छी है, आध्यात्मिक व्यक्ति भी तो ऐसे ही करता है, उनको जताता है कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, आपको शांति की जरूरत है, उसके लिए ध्यान की जरूरत है, आपको मुक्ति की जरूरत है, आपको ये है, उनको पहले बताया जाता है कि ये तो नादान है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे को इन चीजों की आवश्यकता है भी या नहीं है, इनसे हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा पता ही नहीं है। जैसे भौतिक चीजों से ऐसे आध्यात्मिक चीजों से, धर्म की आवश्यकता क्या है, धर्म की जीवन में क्या उपयोगिता है, उनको बताई जाती है ना पहले, भाई उनको तो नहीं लग रही थी पर उनको बताते नहीं देखो आपको आवश्यकता है वास्तव में, और फिर वो चीज दी जाती है, उनको समझाई जाती है। तो ये सब जगह लगेगा कि सत्यम कर्तव्यतया श्रूयते कामोपि कर्तव्यतया अवगम्यते। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु श्रुत्या यागस्य वाक्येन कामस्य, बोले इसका श्रुति याग की कर्तव्यता तो श्रुति से है और काम की तो वाक्य से है, तो कौन बलवान है, तो यहां पर किसकी कर्तव्यता माननी चाहिए, याग की कर्तव्यता माननी चाहिए, और याग कर्तव्य हो जाएगा तो स्वर्ग या कामना उसके लिए मानी जाएगी, ना उभयो हो, दोनों की कर्तव्यता नहीं हो सकती। वाक्य भेद प्रसंगा, दोनों को इसी वाक्य से, दोनों की कर्तव्यता इस वाक्य से मानेंगे तो वाक्य भेद प्रसंग होगा, वाक्य भेद होगा तो दोष आएगा, इस पर सिद्धांत कहता है उच्चते। बोले यद्यपि याग कर्तव्य श्रूयते, हाँ ये बात तो ठीक है कि क्योंकि श्रुति बलवती होती है तो इसलिए याग कर्तव्य के रूप में सुना जा रहा है, ये पक्की बात है, ठीक है, लेकिन तथापि न कर्तव्य, फिर भी नहीं करना चाहिए। अब देखो ये पासा पलट रहा है बिल्कुल, ये शब्द है तदस्मागम प्रमाण, जो शब्द कह रहा है वो हमारा प्रमाण है, याग कर्तव्य के रूप में कहा जा रहा है और बोले फिर भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरोधी सिद्धांत तो कह रहे, पूर्व पक्षी तो कह नहीं, जो शास्त्र में शब्द में कहा वो ही करना चाहिए, कर्तव्य के रूप में कहा है हमें तो यही करना चाहिए। नहीं, यद्यपि याग कर्तव्य श्रूयते तथापि न कर्तव्य, क्यों, बोले कर्तव्य नहीं सुखदाह कर्तव्य भवति, कर्तव्य होता है तो कौन कर्तव्य होता है, सुख को देने वाला कर्तव्य होता है और दुख दो याग, याग तो दुख को देने वाला है याग करेंगे तो कष्ट होगा ना, बैठेंगे भले ही स्वर्ग की प्राप्ति हो या नहीं हो, भले एक घंटा दो घंटा बैठेंगे तो हमारा तो पैर घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, इतनी आग के सामने बैठेंगे कष्टप्रद है, समय लगाओ, निकालो, बैठो, बैठे बैठे आहुतियां दो, दुख दो याग। तो अब सिद्धांती का क्या कहना हुआ कि कर्तव्य कौन,
जो सुख को देने वाला है, जो दुख को देने वाला है, वो तो कर्तव्य के रूप में हो ही नहीं सकता है। इसको बात को घुमा के ला रहा है वहीं पर अपनी बात को लाने के लिए। तो दुख दो याग तस्मात प्रत्यक्षेण अकर्तव्य है, इसलिए याग करने योग्य नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष की दृष्टि से करने योग्य नहीं है। प्रत्यक्ष कह रहा है कि दुखदायी होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो आपकी श्रुति भले ही कहती हो, आपने श्रुति और वाक्य के आधार पर तो श्रुति को ले लिया, लेकिन यहां प्रत्यक्ष के आधार पर वो नहीं करना चाहिए। तस्मात प्रत्यक्षेण अकर्तव्य, प्रत्यक्षेण च सुखदा दुखदा, प्रत्यक्ष से वो दुखदायी होता है। अब कोई ऐसा कहे हमारे को भी कि देखो याग आदि तो दुखदायक है, ये है, तो हम क्या उत्तर देते हैं? देखो पूर्व पक्षी क्या कहता है, कर्तव्यता वचनाद अनुमानेन सुखदो भवति इति। बोले ये शास्त्र में कर्तव्य के रूप में कहा गया है तो ये तो सुखदायक ही होगा। सिद्धांती भी कहता ही रहता है कि भाई शास्त्र में अगर कुछ विधि दी गई है तो वो दृष्टार्थता नहीं है, तो अदृष्ट प्रयोजन के लिए होगी, उसका कुछ ना कुछ फल आगे होगा, ये मानना ही होता है। लेकिन अभी सिद्धांती ने शास्त्र विरोधी रुख अपना रखा है और पूर्व पक्षी ने शास्त्र सम्मत कर रहे हैं। ठीक है, भले ही दुखदायी है लेकिन शास्त्र में याग को कर्तव्य के रूप में कहा गया है तो वो सुखदायी ही होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कर्तव्यता वचनाद अनुमान न सुखदो भविष्यति। सिद्धांति कहता है उच्यते अनुमानम च प्रत्यक्ष विरोधात् न प्रमाणम। उसके मुंह से कहलवा दिया कि ये तो अनुमान से तो हमें सुख तो लेना चाहिए, बोले प्रत्यक्ष तो दुख है, तो प्रत्यक्ष और अनुमान में कौन बलवान होता है? उसको पूर्व पक्षी को मानना पड़ेगा भाई प्रत्यक्ष बलवान होता है, ऐसा थोड़ा ना कह सकता है कि अनुमान बलवान होता है। अगर अनुमान को बलवान कह रहा है तो कोई हेतु देना पड़ेगा, क्यों प्रत्यक्ष यहां पर बलवान नहीं है, क्यों अनुमान यहां पर बलवान है। तो जैसे पूर्व पक्षी ने कहा था कि श्रुति से तो याग की प्रधानता है, कर्तव्यता है, और वाक्य से स्वर्ग की कर्तव्यता है, तो उसने खंडित कर दिया था ना। अब इसने देखो भाषा का प्रयोग करके, अब बोलो आप क्या करोगे, प्रत्यक्ष बलवान या अनुमान बलवान, किसको मानेंगे? अब प्रत्यक्ष को मानना पड़ेगा, ये सिद्धांत तो हटा नहीं सकता, वो तो स्थापित है। तो अनुमानम च प्रत्यक्ष विरोधात् न प्रमाणम, तस्मात अकर्तव्यो याग, इसलिए याग कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, वो जो आगे के यदि न प्रीत्यर्थ, घुमा करके लाया है वहीं पर, विरोध तो प्रकट कर रहा है लेकिन ये शास्त्र की पुष्टि के लिए ये सारी बातें कर रहा है, शैली है। बोले यदि ये प्रीत्यर्थ ना हो तो ये याग अकर्तव्य है। तो पूर्व पक्षी कहता है अथ अनर्थक के परिहाराय कल्पितेन अन्येन फलवचनेन संवत्स्यते इति। बोले देखो इस वाक्य से तो स्वर्ग की का प्रयोजन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, यहां तो कर्तव्यता के रूप में याग है तो याग ही बस अंतिम है। लेकिन अगर अनर्थकता हो रही है, अनर्थक के हो रहा है, आप कह रहे हो कि भाई इससे तो अनर्थक हो जाएगा, तो बोले कोई दूसरा फल कल्पित कर देंगे, स्वर्ग नहीं, क्योंकि स्वर्ग को तो यहां कह नहीं रहा है। लेकिन वाक्य अनर्थक होता हुआ किसी अन्य प्रयोजन को, अन्य को कल्पित कर लेगा, ऐसा ऐसा कर लेते हैं। अतः अनर्थक के परिहार है कल्पित न अन्य न, अन्य ने का मतलब स्वर्ग भिन्न कोई फल वचन है ना, संबत्स्यते, किसी फल वचन से ये जुड़ जाएगा, या तो हम कल्पित कर लेंगे या तो कोई शास्त्र में कहीं होगा तो उससे जुड़ जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है उच्यते, सिद्धांति का रुख अभी भी शास्त्र विरोधी और पूर्व पक्षी का रुख अभी भी शास्त्र के समर्थन में, देखो कितना समर्थन कर रहा है। तो सिद्धांति कहता है तथा संबद्ध मानो अपि अविधीय मानो न समीप वचन मात्रे न फलवान विज्ञायते। बोले कि ठीक है कि उससे संबद्ध होता हुआ लेकिन अविधीय मान होता हुआ, अगर आप किसी और फल को मानोगे उसके साथ जोड़ दोगे तो विहित कौन होगा, वो फल विहित होगा, ये याग थोड़ा विहित होगा। तो संबद्ध तो हो जाएगा लेकिन अविधीय मान होता हुआ ये याग, अविधीय मान मतलब याग, न समीप वचन मात्र न फलवान विज्ञायते, समीप वचन पास में फल पड़ा गया इससे ये फलवान माना जाए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस पक्ष में तो याग का विधान ही नहीं हो पाएगा। जब विधान ही नहीं है तो फलवान कहां से बनेगा, फलवान के लिए पहले विधान तो होना चाहिए, तो याग का विधान तो आपको मानना पड़ेगा। तस्मात अनर्थ को मां भूत इति स्वर्ग से कर्तव्यता गम्यते। बोले अनर्थक ना हो इसके लिए तो फिर स्वर्ग की कर्तव्यता यहां पर आपको माननी पड़ेगी, याग की कर्तव्यता दिखाई दे रही है शब्द से, शब्दार्थ से याग की कर्तव्यता मानते हैं
तो स्वर्ग उसका साधन बन रहा है, और ऐसे में बोले याग व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र का वचन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए स्वर्ग की कर्तव्यता माननी पड़ेगी आपको यहां पर। पुरुष प्रयत्नश्च याग विशिष्ट इति यागस्तस्य करणम स्यात्। और जो पुरुष का प्रयत्न है, कौन सा प्रयत्न, जो कि याग विशिष्ट है, याग के रूप में जो प्रयत्न किया जा रहा है वो, इसलिए याग उसका करण माना जाएगा। स्वर्ग की कर्तव्यता और याग विशिष्ट पुरुष प्रयत्न, क्योंकि कर्तव्यता जिसके जो प्राप्त करना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है, उसके लिए जो साधन होंगे तो ये करण के रूप में हो जाएगा। तस्मात सुष्ठु उक्तम यागो गुणभूता है स्वर्ग प्रधान भूता इति, इसलिए ये ठीक ही कहा था कि याग तो गुणभूत है और स्वर्ग यहां पर प्रधान भूत है। ठीक है, और देखिए कुछ विश्लेषण करेंगे। तीसरा सूत्र सिद्धांति बोलता है, प्रत्यर्थम च अभिसंयोगात अल्प विराम कर्म तो ही अभिसंबंध तस्मात कर्मोपदेश स्यात्। बोले अर्थम प्रति च अभिसंयोगात, कर्म का अर्थ के प्रति संयोग होता है, अभिसंयोग होता है। कर्म किसके लिए होता है? अर्थ के लिए होता है। कर्म अपने आप में किसी के लिए नहीं होता, कोई भी कर्म अपने आप में नहीं होता है। बातें तो बहुत सामान्य है, हम लोग समझते भी हैं, लेकिन कई बार वो कर्म ही हमारे लिए बस मुख्य बन जाता है। अर्थ वहां से, कर्म का प्रयोजन तो कहीं विलीन हो जाता है, बस वो कर्म चलता रहता है। वो भौतिकवाद में भी होता है और अध्यात्म में भी होता है। हम बहुत उदाहरण देते ही रहते हैं कि पैसा किसके लिए, कोई सुख के लिए था, लेकिन पैसा कमाना बस वही मुख्य बन जाता है, सुख तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, दुखी दुख का साधन बन जाता है। तो जिसके लिए है वो कर्म तो हो रहा है, लेकिन जिसके लिए है वो दृष्टि से हो जाता है, साधन ही साध्य बन जाता है। अब यही तो विवेक अविवेक की बात है। सारा जो विवेक अविवेक है, जितना भी बताया गया है इसको, ये और अनित्याशुचि दुखानात्मसु, इसको यदि दूसरे ढंग से कहें, एक सूत्र के रूप में बिल्कुल, और जिसको कहा भी जाता है अध्यात्म के क्षेत्र में, कि जो साध्य था, जो साधन था उसको साध्य बना लिया, जो साधन था उसको साध्य बना लिया, बस यही। चूंकि अध्यात्म में और भौतिकवाद में जो अंतर है वो यही इसी सूत्र का तो है। अगर हमारा साध्य एकदम स्पष्ट है और साधन स्पष्ट है तो सब जगह कुछ नहीं, एक ठीक ही जगह जाएगा व्यक्ति, हर व्यक्ति उसी शैली से जाएगा। बस ये एक ही भूल है, एक अविद्या है ये, उसके विविध रूप होते हैं। अब यूं तो अविद्या दस तरह, कितनी भी तरह की हो सकती है, वहां भी अनित्या सूची में मान लो चार प्रकार की लिखी है, उसके कितने व्यापक भेद हैं, उदाहरण कितने कितने हैं, लेकिन एक सूत्र में कहें तो जो मूल में भूल कहां पर हो जाती है। आदमी प्रयत्न भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कष्ट भी सह रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मूल में भूल क्या है? लक्ष्य के बारे में गड़बड़ हो गई है, साधन को साध्य समझ लिया है, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो और ऐसा ही अध्यात्म के अंदर भी हो जाता है। लक्ष्य तो ठीक है, मुक्ति बना लिया कि वो अंतिम लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए जो साधन थे अंत में, वो इस तरह से करने लग जाता है व्यक्ति। ये भी पता है, कह भी रहा है साधन है, लेकिन उस साधन में इस तरह से फंस जाता है कि साध्य तो इधर उधर हो जाता है, लक्ष्य तो इधर उधर हो जाता है, और वो उसी वही चक्कर में घूमता रह जाता है। वो दोष तो वहां भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मूल दोष तो यह है कि साधन को साध्य समझ लेना। तो प्रत्यर्थम च अभिसंयोगा, प्रत्येक कर्म का अर्थ के प्रति संयोग होता है। कर्म तो ही अभिसंबंध, चूंकि उसका कर्म के साथ में संबंध होता है, कर्म से, कार्य से उससे संबंध क्यों होता है? क्योंकि कर्म के द्वारा वो सिद्ध किया जाता है, उसको सिद्ध करना है, भविष्य में होने वाला है, वो भव्य रूप है, भव्य है होने वाला। तो कर्म तो ही अभिसंबंध तस्मात कर्मोपदेश स्यात्, इसलिए कर्म का उपदेश होता है। अगर कहीं कर्म का उपदेश हो भी रहा है, कर्तव्य के रूप में कहा भी जा रहा है, तो हमेशा ये बात तो जुड़ी ही रहेगी। भले ही दिखाई दे रहा है कि याग कर्तव्य के रूप में है, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि बस कर्म किया, शास्त्र में लिखा है कि कर्म करो, याग करो, और उसके आगे कुछ नहीं। ऐसा बहुत जगह हमारे को कथन मिलेगा, ये करो, वो करो, वो करो, बस इसको करना था वो कर लिया, उन्होंने कहा हमें करना है, शास्त्र में कहा हमें करना है, बस कर लिया, उसके आगे का सोच ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि जहां भी कहीं कर्तव्य के रूप में कर्म कहा भी जा रहा है, तो ये प्रयोजन तो वहां देख ही लेना चाहिए कि किस लिए कहा जा रहा है, क्या हो सकता है,
कुछ ना कुछ प्रयोजन वहां अवश्य होगा। तो कर्म का उपदेश इसलिए किया जाता है, कर्म मात्र का उपदेश इसीलिए है। भाष्य, न केवलम आनर्थक्य भयात यागस्य गुण भावम रूपः। पीछे जो इन्होंने कहा था कि भाई अगर आप इसका यदि याग को आप प्रधान मानते हो तो ये तो अनर्थक हो जाएगा वाक्य। तो बोले अनर्थक्य के भय से ही याग का गुणभाव नहीं कह रहे हैं हम, केवल इसीलिए, दूसरी भी बातें वो इस सूत्र में बताई जा रही। तो किम तरही, बोले स्वर्ग संजकम अर्थम प्रति करणत्वेन यागो विधीयते। बोले यहां पर स्वर्ग संजक अर्थ के प्रति करण के रूप में याग का विधान किया जा रहा है। याग का तो विधान है ठीक है कर्तव्य के रूप में, लेकिन करण के रूप में विधान किया जा रहा है। पूर्व पक्षी, ननु याग कर्तव्यतया श्रुत्या विधीयते। फिर उसी बात को ला रहे, बोले याग कर्तव्य के रूप में सुना जा रहा है। अब देखो जब यहां ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना याग कर्तव्य के रूप में सुना जा रहा है, मतलब याग करने योग्य है, याग को वो साधन के रूप में नहीं देख रहा है। वाक्य तो ठीक है कि याग कर्तव्य के रूप में है, लेकिन याग साध्य के रूप में कर्तव्य है या याग करण के रूप में कर्तव्य है, ये भेद है। तो पूर्व पक्षी फिर उसी बात को कह रहा है, भाई कर्तव्य के रूप में यजेता कह रहा है सीधा सीधा शब्द। तो ननु याग कर्तव्यतया श्रुत्या विधीयते, श्रुति से कहा जा रहा है। तो सिद्धांत कह रहे हैं सत्यम एवं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अनर्थक्यम तो तथा भवती, उस तरह अनर्थकता तो हो जाती है अगर आप उसको साध्य के रूप में ले रहे हो। कर्तव्य यानी साध्य, साध्य के रूप में ले रहे हो तो वहां अनर्थकता आ जाएगी। स्वर्गम प्रति विहिते यागे स्वर्ग कामस तस्मिन निष्फले विधीयमानो अपि निष्प्रयोजन स्यात्। तो स्वर्ग के प्रति अविहित याग, स्वर्ग प्रत्य अविहित याग, अगर स्वर्ग के प्रति याग विहित नहीं माना जाए स्वर्ग के लिए, तो स्वर्ग कामस तस्मिन निष्फले विधीयमानो अपि, तो स्वर्ग जो काम है उसमें इस निष्फल याग के विधीयमान होने पर भी निष्प्रयोजन स्यात्। विधिमान है, विधि हो रही है, लेकिन निष्प्रयोजन तो, और उसके लिए स्वर्ग के लिए स्थिति के लिए नहीं है तो निष्प्रयोजन हो जाएगा। जो सांख्य दर्शन में कहा न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेश, वही बात है यहां पर। तो विधिमानों पर निष्प्रयोजन है स्यात् तत्र अस्य उपदेश वैयर्थ्यम। तो ऐसे में इसका उपदेश का कि व्यर्थता आ जाएगी। द्वयोश्च विधीयमानयो परस्परेण असंबद्धयोर वाक्य भेद प्रसंग। और अगर आप इन दोनों का संबंध नहीं जोड़ोगे और दोनों का विधान मानोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो वाक्य मानने पड़ेंगे। अतो न स्वर्ग काम पदे न स्वर्गो विधीयते, इसलिए स्वर्ग काम पद से नहीं, स्वर्गों काम पदे न स्वार्थो विधीयते, स्वर्ग काम पद से स्वार्थ का विधान नहीं किया जा रहा है, स्वर्ग का विधान नहीं किया जा रहा है। किम तरही उद्देश्यते, बोले इसका तो केवल उद्देश्य किया जाए, इसको उद्दिष्ट करके याग का विधान किया जा रहा है, उद्देश्य किया जा रहा है। तो तत्र वाक्यात अवगतस्य कामस्य कर्तव्यता अवगम्यते यागस्य च करणता। तो वाक्य से अवगत काम की कर्तव्यता यहां पर जानी जा रही है, श्रुति से तो याग की कर्तव्यता जानी जा रही है, लेकिन वाक्य से काम की कर्तव्यता यहां पर जानी जा रही है और याग की करणता जानी जा रही है। अब देखिए वाक्यार्थ, वाक्य के द्वारा जो अर्थ आ रहा है उसको यहां पर बलवान बनाया जा रहा है, श्रुति से जो अर्थ आ रहा था उसको छोड़ा जा रहा है। तो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो यद्यपि श्रुति बलवती होती है वाक्य दुर्बल होता है, लेकिन यदि श्रुति से जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो असंभव हो रहा है, निरर्थक हो रहा है, तो वो अर्थ नहीं लिया जाएगा, वाक्य से अर्थ लेना होगा। ये तो पहले हम ये दूसरे ढंग से कहा जा रहा है, ये शास्त्र का खंडन नहीं कर रहा है सिद्धांति, लेकिन श्रुति के अलावा अन्य की हमारे को आवश्यकता क्यों पड़ती है? श्रुति प्रत्यक्ष को छोड़ करके हमें लक्षणा में क्यों जाना पड़ता है? श्रुति संभव नहीं होती है तभी तो, वही तो बात कही जा रही है, क्योंकि खंडन नहीं किया जा रहा है कि नहीं श्रुति को हमने छोड़ दिया। वही श्रुति की बात यदि संभव नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष कथन संगत नहीं हो रहा है, तो लक्षणा पे अनुमान पे जाना ही होता है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। तो अतो न स्वर्ग काम पदे न स्वर्ग स्वार्थो विधीयते किम तरी उद्देश्यते तत्र वाक्याद अवगतस्य कामस्य कर्तव्यता अवगम्यते यागस्य च करणता। याग की करणता प्रतीत हो रही है यहां पर। एवं च याग कर्तव्यतायाम न प्रत्यक्ष विरोधो भविष्यति, ऐसे में जब याग की कर्तव्यता होगी
तो प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आएगा। अगर याग को कर्ण के रूप में न मानते हुए कर्तव्य के रूप में कहा जाएगा तो प्रत्यक्ष से विरोध आएगा। सिद्धांती भी याग को कर्तव्य मान रहा है लेकिन कर्ण के रूप में मान रहा है, या कर्ण के रूप में कहा गया वो साध्य के रूप में मान रहा है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो याग की एवं च कर्तव्य याग कर्तव्यतायाम याग की कर्तव्यता होने में प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आएगा। कब? जब याग को कर्ण के रूप में माना जाएगा। तस्मात कर्मोपदेश स्यात्, इसलिए यहां पर कर्म का उपदेश है, कर्म का उपदेश व्यर्थ नहीं है। अब सिद्धांती कह रहा है कि हाँ ठीक है, वो पूर्व पक्षी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इस भाषा में बोल रहा था, लेकिन नहीं, कर्म का उपदेश होवे, कर्म का उपदेश इसीलिए होवे, कर्म स्वर्गम प्रति उपदिश्यते, कर्म जो है वो स्वर्ग के प्रति उपदिष्ट किया जा रहा है, न स्वर्ग कर्म प्रति, स्वर्ग कर्म के प्रति यहां उपदिष्ट नहीं किया जा रहा है, उपदेश नहीं किया जा रहा है। आगे देखिए, इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि मा तो यदि स्वर्गो नोपदिश्यते, इससे क्या होगा, यहां पर स्वर्ग का उपदेश नहीं किया जा रहा है, किसके प्रति? कर्म के प्रति नहीं। देखो पीछे देखो वाक्य, सिद्धांत ने क्या कहा, कर्म स्वर्गम प्रति उपदिश्यते, कर्म स्वर्ग के प्रति उपदेश किया जा रहा है, न स्वर्ग कर्म प्रति। ये जो दूसरा वाक्य है ना कि ये जो स्वर्ग है ये कर्म के प्रति उपदेश नहीं किया जा रहा है, उस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि मतो यदि स्वर्गो नोपदिश्यते, इससे क्या है कि स्वर्ग कर्म के प्रति उपदेश नहीं किया जा रहा है, तो इससे क्या हो गया, क्या लाभ मिल गया, आप क्या कहना चाहते हो इससे? कि मतो यदि स्वर्गो नोपदिश्यते, तो इसमें सिद्धांत कहता है एतदतो भवति, इससे यह होता है, न ही अनुपदिष्टो अर्थ प्राप्तश्च गुणो भवति, कि जो अनुपदिष्ट है जिसका उपदेश नहीं किया गया है लेकिन जो अर्थ से प्राप्त है वो गुण रूप में नहीं होता है। अर्थात स्वर्ग जो कि यहां पर अनुपदिष्ट है, उपदिष्ट तो कर्म ही है, यहां पर यजेत याग कर्म ही उपदिष्ट है, उसी को कर्तव्यता के रूप में आप स्वीकार कर रहा है, लेकिन जो अनुपदिष्ट है यानी तो स्वर्ग, लेकिन अर्थ से प्राप्त है, अर्थतः प्राप्त है कि भाई कोई भी कर्म है तो स्वर्ग के सुख के लिए ही करता है, तो अर्थतः जिसकी प्राप्ति है उसको उद्दिष्ट करके इस याग का विधान किया जा रहा है। तो बोले कि न ही अनुपदिष्टो अर्थ प्राप्तस्य गुणो भवति, ये कभी भी गुण नहीं होगा, यहां पर स्वर्ग यहां गुण रूप में नहीं आएगा, नहीं तो स्वर्ग गुण के रूप में आ जाएगा। तो योगाभ्यास करना चाहिए, योगाभ्यास बहुत ऊंची चीज है, करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, मुक्ति के लिए करना चाहिए, ठीक है। बोले मुक्ति की इच्छा होगी तो आप योगाभ्यास बहुत अच्छा करेंगे, अब आशा देखना, मुक्ति की इच्छा होगी तो योगाभ्यास करेंगे अच्छा, और योगाभ्यास बहुत अच्छी चीज है। तो मुक्ति की इच्छा योगाभ्यास का साधन है, साधन हो गई ना, यदि मुक्ति की इच्छा नहीं है तो सर योगाभ्यास कैसे करेगा, तो मुक्ति की इच्छा योगाभ्यास का साधन है करण रूप में, तो दूसरे शब्दों में मुक्ति की इच्छा के द्वारा योगाभ्यास को सिद्ध किया जा रहा है। अब योगाभ्यास का जो लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति, वो तो हट गया, नहीं मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए, मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए ताकि मैं योगाभ्यास कर सकूं, करनी चाहिए ताकि मैं समाधि लगा सकूं, और आगे का वो चीज हट गई, उसकी उल्टा हो गया ये, अब उसको साधन के रूप में ले रहा है, उसको साधन के रूप में लेने लगेगा, और वो योगाभ्यास ही लक्ष्य बन गया और ये चीजें छूट गई उसकी। देखिए कहां तक पहुंच गए, न ही अनुपदिष्टो अर्थ प्राप्तस्य गुणो भवति, तस्मात् स्वर्गः प्रधानतः कर्म गुणतः इति, स्वर्ग प्रधान होगा और कर्म गुण होगा। अपि च यस्य स्वर्गः इष्टः स्यात् स यागम निर्वर्तयेत इति असंबद्धम इव अन्यत इच्छति अन्यत करोति। दूसरे ढंग से देखो एक और बात क्या कह रहा है सिद्धांती, कि बोले यस्य स्वर्गः इष्टः स्यात्, अब प्रथम दृष्टा ये उल्टी बात लगेगी, जिसको स्वर्ग इष्ट है क्या प्राप्त करना है, स्वर्ग तो प्राप्त करना है,
और वह याग को कर रहा है। इष्ट क्या था? स्वर्ग। और कर क्या रहा है? याग कर रहा है। अन्यत इच्छति अन्यत करोति, इच्छा तो किसी और की कर रहा है और प्रयत्न किसी और के लिए कर रहा है। मूर्खता होगी ना, मूर्खता होगी ना, कब? जब याग का लक्ष्य स्वर्ग नहीं रहेगा। वो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, पूर्व पक्षी की दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि आप अगर स्वर्ग को नहीं लक्ष्य मानोगे, याग स्वर्ग के लिए नहीं है और आप स्वर्ग कामो यजेता ये सब कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कह तो रहे हो कि स्वर्ग की कामना है लेकिन कर क्या रहे हो? याग कर रहे हो। हालांकि अब इसको सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो ये वाक्य ही नहीं बनेगा। भाई याग कर रहे हैं तो याग स्वर्ग, स्वर्ग की कामना है तो याग कर रहे हैं, तो याग कर रहे हैं तो स्वर्ग मिलेगा। पर पूर्व पक्षी याग से स्वर्ग मिलेगा ये मान नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा मानते ही याग गुण हो जाएगा और स्वर्ग प्रधान हो जाएगा। तो कह क्या रहा है? स्वर्ग की कामना वाला याग करे, ये वचन तो बोल रहा है लेकिन याग से स्वर्ग की सिद्धि करनी है उस रूप में, प्रयोजन के रूप में नहीं कह रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं ये तो कि भाई चाह तो कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, मूर्खता बता रहे। अब इस पे पूर्व पक्षी कहता है अथ मतम, बोले अगर ऐसा मान लें कि तथा स्वर्गो भवती इति संबंधाद इदम गम्यते इति, बोले नहीं याग से स्वर्ग होता है तो इस संबंध से तो हम कह ही सकते हैं, इन दोनों का संबंध है। अब आ रहा है उसी पंक्ति में, लाना आना पड़ेगा उसको। बोले तथा स्वर्गो भवती इति संबंधाद इदम गम्यते, इससे यह जान लिया जाता है क्योंकि याग से स्वर्ग होता है तो मान लेंगे। तो इस पर सिद्धांति कहता है न शब्द प्रमाण का नाम अंतरेण शब्दम अवगतिर न्याया, बोले जो शब्द प्रमाण वाले हैं, जो शब्द को ही अपना प्रमाण मानते हैं, शब्द प्रमाण का नाम, ना दूसरे ढंग से कहो तो जिनको अपने आप पे यह गर्व है कि हम तो शब्द प्रमाण वाले हैं और उसको प्रशंसा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, नहीं हम तो शास्त्र जो कहेगा वो करेंगे, शब्द जो कह रहा है हम तो उसको मानने वाले हैं, जो उसको अपने को उस गौरवान्वित समझते हैं, ऐसा करके ऐसे आप लोग न शब्द प्रमाण का नाम अंतरेण शब्दम, शब्दम अंतरेण अवगतिर्न्याय, या बिना शब्द के आप इस अवगति को कर रहे हो ये तो आपकी बात ठीक नहीं है। क्योंकि आपने पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? तथा स्वर्गो भवती थी संबंधम इदम गम्य थे, उससे स्वर्ग होता है। बोले आप तो शब्द को मानने वाले थे, शब्द के अनुसार बोल रहे थे, तो आप ऐसा अर्थ करो ये तो उचित नहीं है। शब्द प्रमाण को आप तो ये तो आपके लिए उचित नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं वाक्यात एव अस्मात इमं संबंधम अवगच्छाम, बोले नहीं वाक्य से हम इस संबंध को स्वीकार करते हैं। अब वो वाक्य से आने वाले अर्थ का खंडन कर रहा था, बोले नहीं श्रुति बलवती है, श्रुति से करेंगे और वाक्य वाला तो शब्द अर्थ गलत है, ये खुद बोल बैठा, बुलवा दिया उससे कि वाक्याद एव अस्माद इमं संबंधम अवगच्छाम यथा काष्ठानी आहर्तु कामो अरण्यम गच्छेदिति। अब कोई कहे कि जिसको लकड़ियां लानी है, लकड़ियों को लाने की कामना वाला है वो जंगल जाए, लकड़ियों को की जिसको इच्छा हो वो जंगल जाए, ये वाक्य मिला। उसी जैसा वाक्य है, लौकिक वाक्य है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जब ये वाक्य कहा जाता है तो इसका मतलब है कि अरण्य जाने से लकड़ियां मिलती हैं, तभी तो ये वाक्य कहा जा रहा है। तो ऐसे यहां पर भी मान लेंगे वाक्य से होता है कि याग से स्वर्ग होता है, मान लेंगे ऐसा। तो यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो, अब इस पर देखो सिद्धांत क्या कहता है, गच्छे दी थी यदि ब्रूयात तो ब्रूयात देता उसको ये बोले, सिद्धांत बोल रहा है ये दृष्टम तत्र प्रमाणांतरेण अरण्य गमनस्य काष्ठाहरण काष्ठ आहरण सामर्थ्यम विद्यते इति, बोले वहां तो दूसरे प्रमाण से यह सिद्ध है कि अरण्य गमन में काष्ठ के आहरण की सामर्थ्य है, यह हमको अन्य प्रमाण से पता है। यहां तो ठीक है लेकिन यहां पता है क्या कि याग के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किसी अन्य प्रमाण से पता है क्या? वहां तो हम ये संबंध क्यों जोड़ लेते हैं इस तरह के वाक्य में कि जिसको काष्ठ की आवश्यकता हो वो जंगल जाए, ये हम कैसे मान लेते हैं वाक्य? क्योंकि हमें पता है कि अरण्य गमन में काष्ठ की प्राप्ति की सामर्थ्य है। लेकिन यहां यहां कहा है प्रत्यक्ष, अन्य प्रमाण कौन सा है यहां पर? वहां प्रत्यक्ष पता है हमारे को, उससे इसकी पुष्टि हो गई है शब्द प्रमाण की, वाक्य की किसी ने बोला कि अरण्य जा सकते हो आप, जाना चाहिए अगर लकड़ियां चाहिए तो, लेकिन इसमें यहां तो अन्य कोई प्रमाण नहीं है।
कैसे आप ये मान रहे हो? तो दिष्टम तत्र प्रमाणांतरेण अरण्यगमनस्य काष्ठ आहरण सामर्थ्यम विद्यते इति। अब इसमें पूर्व पक्षी की तरफ से है कि अथ मन्यते, अगर ऐसा वो मानता है पूर्व पक्षी कि उपदेश अनर्थक्य मा भूत इति अर्थापत्तिर भविष्यति इति। वही देखो शास्त्र की कितनी भक्ति बता रहा है कि उपदेश की अनर्थकता नहीं हो इसलिए अर्थापत्ति यहां पर करनी पड़ेगी। ठीक है, सिद्धांति का रुख बिल्कुल अलग है, यहां पर वैसे नहीं रखता है ऐसा रुख है, लेकिन यहां अलग रुख है किसी चीज को बताने के लिए। तो बोले अर्थापत्ति होगी तो सिद्धांत कह रहा है उच्चते नो न उपदेश अनर्थक्यस्य एतत् सामर्थ्यम यत अंतरेण फल वचनम यागस्य प्रीति फलम अवगम्यता। बोले उपदेश की अनर्थकता की ये सामर्थ्य नहीं है कि अनर्थक हो रहा हो तो बोले वो इस बात को कहने में समर्थ हो जाए कि फल वचन के बिना भी याग की का प्रीति फल वहां से पता लग जाए। अनर्थक होते हुए शास्त्र वचन की यह सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना फल वचन के भी याग का प्रीतिफल होता है ये कह दे, तो बता ही नहीं सकता। अनर्थक हो रहा है इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी अर्थ बता देगा, उसे कुछ भी अर्थ ले लोगे आप, क्योंकि तो अनर्थक होते हुए ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। सिद्धांत भी कहता है कि अनर्थक हो रहा है तो नहीं इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, लेकिन अनर्थक हो रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई भी अर्थ ले लोगे। कैसे लोगे आप, उसके लिए भी कुछ आधार चाहिए। कल्पना फिर हमारी नहीं चलने लगेगी कि शब्द अनर्थक हो रहा है ऐसा करोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, तो फिर तो ये अर्थ मानना चाहिए। जैसे महाभाष्य में भी अष्टाध्यायी के सूत्र भी विवेचना होती है कि भाई ये शब्द अनर्थक हो रहा है, ये सूत्र व्यर्थ हो रहा है, तो उसमें कितनी परिकल्पनाएं आ जाती हैं। पूर्व पक्षी ये कहता है, वो ये कहता है, ये वो कहता है, लेकिन वो तो केवल इतने मात्र से कोई भी कल्पना कर लो ये थोड़ा है। वो कल्पना भी आधार पूर्वक होनी चाहिए, कुछ युक्ति होनी चाहिए, कुछ आगे पीछे को देख करके होनी चाहिए, यूं ही नहीं हो जाता। तो बोले कि यदंतरेण फलवचनम यागस्य प्रीति फलवचनम अवगम्येत कामम। अब देखो कितना शास्त्र विरुद्ध जा करके बोल रहा है सिद्धांती, दिख रहा है ऐसा कि कामस्य अनर्थक्यम भवेत, हाँ कामम अस्य अनर्थक्यम भवेत न जातुचित सामर्थ्यम अस्य जायते। सामर्थ्य यह कर लेना मां को, बोले भले ही कामम, भले ही इसकी अनर्थकता हो जाए शास्त्र की, लेकिन इसकी कभी भी यह सामर्थ्य नहीं हो सकती कि इसको कह दे। अनर्थक भले ही हो जाए लेकिन इसकी सामर्थ्य नहीं हो सकती है कि इसको कर दे। अब इसमें क्या, इसका मतलब यह नहीं है कि शास्त्र का वचन अनर्थक होता है तो अनर्थक हो जाने दो, इस पक्ष में नहीं बोल रहा है। इसकी प्रतिध्वनि क्या है सिद्धांत की, सिद्धांत ऐसा कह ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि शास्त्र जब अनर्थक हो रहा हो तो शास्त्र को सार्थक करने के लिए मनमानी कल्पना नहीं चलेगी। उसकी अनर्थकता को दूर करने के लिए जो आप कल्पना कर रहे हो वो प्रत्यक्ष के अनुरूप सार्थक होनी चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकते आप। मनमाना अदृष्ट कल्पित कर लिया, मनमाना वो कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। जैसे कहा कि जिस तरह से आप ये कर रहे हो, मनमाने ढंग से कर रहे हो, तो ऐसे में तो भले ही अनर्थक हो जाए तो वो ज्यादा ठीक है। तो कामम अस्य अनर्थक्य भवेत न जातुचित सामर्थ्यम अस्य जायते। उदाहरण एक दिया, न ही दग्धु कामस्य उदकोपादानम, जो किसी को जलाना चाहता हो और वो जल को ले ले, जल कोई कह दे कि भैया पानी से जलाओ, गर्म पानी नहीं, लकड़ियां जलानी है वो तो गर्म पानी से भी नहीं जलेगी। तो दग्धु कामस्य उदकोपादानम असती दाहे, वहां पर दाह तो हो नहीं रहा है, मतलब जल तो रहा नहीं है, उस पानी का प्रयोग भी किया लेकिन जल तो रहा नहीं है वहां पर। असती दाहे अनर्थकम इति दहन शक्तिम अस्य जनयेत। बोले ये तो अनर्थक हो रहा है कथन, तो बोला नहीं, जल में दहन की शक्ति है इसको ये उत्पन्न करेगा, नहीं तो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम वाक्य की अनर्थकता, हमने वाक्य का जो अर्थ लिया, हम कहें कि वाक्य अनर्थक हो रहा है इसलिए इसकी कुछ ना कुछ हम कर लें, असंबद्ध नहीं करेंगे। अर्थ नित्य परीक्षेता, ये वो निरुक्त वाली बात है। अर्थ की परीक्षा तो सतत करनी ही पड़ेगी। वहां हमारे को प्रश्न ये उड़ जाता है कि भाई अर्थ के अनुसार ही, यानी व्यवहार के अनुसार ही यहां कर रहे हैं, फिर तो हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, फिर ये क्या कह रहा है।
फिर यहां इससे कहने से क्या करेंगे भाई, हमेशा अर्थ के अनुसार ही परीक्षा करके हम शास्त्र के वाक्यों का अर्थ करेंगे, तो अर्थ तो हमें पता ही है, फिर शास्त्र क्या करेगा। नहीं, ये ऐसे प्रसंगों पे लगता है, बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती, शास्त्र कहता है और हमें पता लग जाता है, वहां अर्थ नित्या परीक्षिता की कोई बात ही नहीं है, सीधे पता लग रहा है हम व्यवहार कर रहे हैं और वैसा का वैसा फल आ रहा है और संगत हो रहा है, वहां की बात नहीं है। ये प्रसंग किस तरह का है कि हमने शास्त्र का कोई अर्थ किया और वो अर्थ ऐसा कर लिया हमने, उस त्रुटि को रोकने के लिए है कि उसको कसौटी पे देख लेना वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि शास्त्र असंबद्ध बात को नहीं कहता है, कल्पना में आकर के कुछ भी नहीं कह सकते, वैसा हो रहा है वो अर्थ यहां पर आप लेना, ठीक अर्थ तक पहुंचने के लिए एक कसौटी दी है, दूसरे प्रतिबद्ध दूसरे उसको और ठीक करने के लिए एक और कसौटी से उसको व्यवस्थित किया, इसलिए अर्थ नित्य है परीक्षित है वाली बात है। तो ऐसा ही इन्होंने कहा कि दग्धु काम से उदकोपादानम असती दाहे, असती को दाहे के साथ में जोड़ना, असती दाहे, दाह न होने पर अनर्थगम इति, भाई दाह तो हो ही नहीं रहा है तो ये तो वचन ही व्यर्थ हो रहा है, तो बोले दाह शक्ति अस्य जने, नहीं इसको मानेंगे कि इसमें दाह की शक्ति को उत्पन्न कर सकता है क्या, वो नहीं कर सकता। तो यहां तक हो गया, अब सिद्धांती देखो दूसरे ढंग से कह रहा है और ऐसा लगेगा जैसे ये तो वही पूर्व पक्षी की बात कह रहा है, क्या बोला, अथवा स्वर्ग कामस्य यागो विधीयते इति, इस वाक्य में क्या किया जा रहा है, स्वर्ग काम के याग का विधान किया जा रहा है। अब ये तो हम समझते ही थे, दशमोडुमासाभ्याम यजेता स्वर्ग काम, ठीक है स्वर्ग काम हो यजेता, तो स्वर्ग की जो कामना वाला है स्वर्ग काम के लिए याग का विधान किया जा रहा है, तो ये तो कर ही रहे थे, ये तो वही बात हो गई, फिर पूर्व पक्षी वाली बात हो गई कुछ, तो ये क्या कह रहा है सिद्धांति का है, लेकिन ये स्वर्ग काम से यागो विधेयते इति पक्षांतरावलंबनेन, ब के ऊपर जो एक ही मात्रा है उसको काट दीजिए, पक्षांतरावलंबनेन अस्य अर्थवत्ता भविष्यति, ये इस वाक्य की सार्थकता पक्षांतर के आलंबन से होगी, इस तरह भी अर्थ कर सकते हैं, कुछ तो इसने बात बताई पहले जो बतानी थी वो बता दी, लेकिन अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो, कैसे देखोगे, लेकिन पूर्व पक्षी की तरह से नहीं है वास्तव में, ये उसको अलग ढंग से अलग अर्थ में कहा जा रहा है, तो इसलिए फिर जब ये कहा सिद्धांति ने कि देखो अच्छा ऐसे भी हम पक्षांतर से कर सकते हैं समाधान का एक दूसरा तरीका, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु इतरस्मिन अपि पक्षे स्वर्ग कामस्य यागो विधीयते न यागत स्वर्ग, बोले इस दूसरे पक्ष में भी, दूसरा पक्ष कौन सा, जो सिद्धांति ने यह पक्षांतर रखा है उसकी तरफ संकेत कर रहा है कि ये जो आपने रखा है इस पक्षांतर में भी, यानी पूर्व पक्षी के पक्ष की अपेक्षा ये जो पक्षांतर है इस दृष्टि से, तो ननु इतरस्मिन अपि पक्षे स्वर्ग कामस्य यागो विधीयते, स्वर्ग काम के याग का विधान कर रहे हो, न यागत स्वर्ग, याग से स्वर्ग होता है इसका विधान कहां कर रहे हो, याग से स्वर्ग होता है ये थोड़ा सिद्ध हो रहा है इससे, जबकि सिद्धांत ही करना ही सिद्ध ये चाहता था कि याग से स्वर्ग होता है इसलिए याग गुण रूप है और स्वर्ग प्रधान है, तो बोले तो आप भी तो वही बात कह रहे हो फिर, क्योंकि वाक्य रचना ऐसी की ऐसी है, ऐसा दिख रहा है कि पूर्व पक्षी बोला ये तो मेरी बात ही कह दी, ये तो सारे के सारे दोष इसमें भी है और हमें भी ऐसा ही लगेगा, इस पर सिद्धांत ही कहता है नहीं तदेवम, ऐसा नहीं है, तस्मिन खलु पक्षे, इस पक्ष में ये जो पक्षांतर लिखा है सिद्धांती ने, उस पक्ष में स्वर्गम प्रार्थय मानस्य अनुष्ठानम अनुत्य, ये जो स्वर्ग काम है इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर्ग की प्रार्थना जो कर रहा है, चाहता है, प्रार्थना मतलब इच्छा है कि मेरे को स्वर्ग मिले, ये स्वर्ग काम का यही तो अर्थ है कि पक्ष स्वर्गम प्रार्थय मानस्य अनुष्ठानम अनुत्य, उसके अनुष्ठान का अनुवाद करके, अब किसी को स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है तो कुछ ना कुछ अनुष्ठान तो करेगा, कर्म तो करेगा, बिना कर्म के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कर्म भी अर्थतः प्राप्त है, उसका अनुवाद किया जा रहा है यहां पर, स्वर्गम प्रार्थय मानस्य अनुष्ठानम अनुद्य याग याग तस्योपायत्वेन विधीयते इति न दोषः, अब याग उसके उपाय के रूप में कहा जा रहा है, तो याग की कर्तव्यता है, देखो स्वर्ग काम से यागो विधीयते, स्वर्ग काम का याग कहा जा रहा है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि याग स्वर्ग के लिए नहीं है, जो स्वर्ग की इच्छा से प्रेरित था उसको कहा जा रहा है कि आप याग का अनुष्ठान करो, और वो करण के रूप में कहा जा रहा है यहां पर, तो यागस्तस्य उपायत्वेन विधीयते इति न दोषः, अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है तदनुष्ठानम स्वर्गम प्रति इति नास्ति वचनम इति चेत,
बोले ये जो आप स्वर्ग के प्रति अर्थ ले रहे हो उसका जो अनुष्ठान है वो स्वर्गम प्रति इति, ये स्वर्ग के प्रति है, इति नास्ति वचनम, यहां तो कोई वचन ही नहीं है कि स्वर्ग के प्रति किया जा रहा है। आप भी तो शब्द को मानने वाले हो, शब्द प्रमाणक हो, फिर आप ये अर्थ कैसे ले रहे हो, तो प्रश्न आएगा। ऐसा अगर कोई कहे तो सिद्धांती कह रहा है इष्टम अर्थम प्रति अनुष्ठानम भवति, इष्ट अर्थ के लिए प्रयोजन के लिए अनुष्ठान होता है, ये सार्वभौम सिद्धांत अटल सिद्धांत, इष्ट अर्थ के लिए ही अनुष्ठान होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है तो इष्ट अर्थ के लिए ही होता है। इष्टम अर्थम प्रति अनुष्ठानम भवति स्वर्ग काम से, अच्छा स्वर्ग है इष्ट, जब ये कहा गया कि स्वर्ग काम यजन करे तो स्वर्ग काम को क्या इष्ट है, उस व्यक्ति को पुरुष को क्या इष्ट है, स्वर्ग इष्ट है। स्वर्ग काम से च स्वर्ग इष्ट तदनुष्ठान विशेष ग्रहणार्थम एव स्वर्ग काम विशेषण ग्रहणम इति निरवत्यम। तो इस प्रकार से देखो तद अनुष्ठान विशेष, अनुष्ठान विशेष का मतलब है ये याग, जो भी इच्छा है उसकी प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहे हैं तद अनुष्ठान विशेष यानी याग, तद अनुष्ठान विशेष ग्रहणार्थम है उस उसको ग्रहण करने के लिए, इस याग को ग्रहण करने के लिए ही स्वर्ग काम विशेषण ग्रहणम, ये जो स्वर्ग काम विशेषण दिया गया है वो इसलिए तो दिया गया है कि अनुष्ठान विशेष का होगा, तो इति निरवध्यम, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, यही अर्थ आएगा। तस्मात स्वर्ग कामस्य याग कर्मोपदेश स्यात्, तो स्वर्ग काम है उसके लिए याग कर्म का उपदेश होवे, याग कर्म का उपदेश होवे, अतः स्वर्ग प्रधानतः कर्म गुणता इति स्वर्गम स्वर्ग काम अधिकृत्य यजेत इति वचनम। अल्प विराम, ये स्वर्ग कामम अधिकृत्य के बाद में जो अल्प विराम है उसको हटा दीजिए, यजेत इति वचनम, यहां पर अल्प विराम ले लीजिए। तो इसलिए स्वर्ग प्रधान से है, कर्म गुण से है, इस प्रकार से स्वर्ग काम को अधिकृत करके यजेत इति वचनम, यजन करे ये वचन है, इति अधिकार लक्षणम इदम सिद्धम भवति, ये जो अधिकार लक्षण है तो अधिकारी विधि, स्वर्ग याग कौन करे, स्वर्ग काम अधिकार विधि का हो अधिकारी विधि का हो जो है उसका यहां पर कथन किया गया है, तो ये अधिकार लक्षणम इदम सिद्धम भवति, इस प्रकार स्वर्ग कामाधिकरणम, स्वर्ग की कामना का अधिकरण पूरा हुआ। इसमें युधिष्ठिर जी ने और थोड़ा सा विवरण दिया है, उसको देख लेते हैं, अगला अधिकरण तो अभी शुरू नहीं करते। विवरण देखिए 1597, पहले तो थोड़ा सा एक जोड़ लीजिए, पहली पंक्ति के अंत में पदार्थ पूर्वक वाक्यार्थ जाना है, जाना जाता है, जाता जोड़ लीजिए, सामान्य नियम यही है, पदार्थ पूर्वक वाक्यार्थ जाना जाता है, इससे दर्शपूर्ण मास अभ्यम स्वर्ग का कामो यजेता इत्यादि वाक्य के काम काक्य वाक्य के वाक्य से याग से स्वर्ग होता है ऐसा यदि जाना जाए, याग से स्वर्ग होता है, ठीक है, अगर इस वाक्य से यह अर्थ निकले कि याग से स्वर्ग होता है तो स्वर्ग साध्य है और याग साधन है, ऐसा जाना जाए, लेकिन याग से स्वर्ग होता है यह तो सुना ही नहीं जाता, यहां पर यह थोड़ा लिखा है कि याग से स्वर्ग होता है, यह सुना नहीं जा रहा है, इसलिए स्वर्ग काम से यागो विधीयते, इस पक्ष में भी पूर्वोक्त तो दोष विद्यमान ही है कि स्वर्ग काम के लिए याग विहित किया जाता है, इस पक्ष में भी पहले वाला दोष विद्यमान है। आगे स्वर्गम प्रार्थयमानस्य, जो स्वर्ग की प्रार्थना कर रहा है ऐसे व्यक्ति के, इसका तात्पर्य यह है कि स्वर्ग की चाहना करने वाला स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले उपाय की इच्छा करता है, स्वर्गम प्रार्थयमानस्य, भाई इसको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो गई है, इसका क्या मतलब हुआ, उसकी प्राप्ति के लिए जो कर्म या साधन चाहिए उसमें वो लगा हुआ है, अभी उसकी अगर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है तो वो उसमें लगा हुआ दिखेगा, वो इच्छा आती ही तब है, उसी तभी प्रकट, तभी वास्तविक इच्छा होती है, नहीं तो ये तो मन में आ गई है, कर कुछ रहा नहीं है, कर कुछ नहीं रहा है तो अभी इच्छा नहीं है, सीधी सी बात है, प्रवृत्ति से ही पता लगता है कि इसकी इच्छा है या नहीं है। तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाले उपाय की इच्छा करता है, क्योंकि बिना उपाय के उपे यानी प्राप्ति योग्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, इससे स्वर्ग काम शब्द याग रूप उपाय को लक्षित कर सकता है, स्वर्ग काम शब्द याग रूप उपाय को लक्षित कर रहा है, वह उपाय रूप से लक्षित याग साधन रूप से कहा जाता है, अतः उक्त पक्ष में पदांतर रूप से निर्दिष्ट याग ही साधन है, यह विशेष है।
इससे पदार्थ पूर्वक ही वाक्यार्थ है। वाक्यार्थ जो किया गया पदार्थ के विपरीत जाकर के नहीं किया गया, लेकिन अर्थ वहीं से निकाला गया। प्रथम दृष्टया पदार्थ के अनुसार वाक्य करने में क्या लग रहा है कि याग यहां पर कर्तव्य है यानी साध्य है, लेकिन अगर पूरा हम देखेंगे तो पदार्थ के अनुसार ही हम वहां से निकाल रहे हैं कि याग साधन है। आगे इष्टम अर्थम प्रति अनुष्ठानम भवति इत्यादि जो ये वचन है, तो दष्टमुन्मासभ्यम यजेत है ज्योतिष्टो में यजेत, इन वचनों से विहित याग इष्ट अर्थ के लिए विहित है। इसका तात्पर्य समझाने के लिए हम व्याकरण शास्त्रीय पक्ष उपस्थित करते हैं, व्याकरण की एक शैली को यहां पर लगा रहे हैं। हालांकि नीचे लिखा है युधिष्ठिर जी ने सबसे अंत में कि हमने यह व्याख्या वैयाकरण पक्षानुसार की है, बहुत संभव है यह मीमांसकों को अभिमत ना हो। वैसे तो वो भी मीमांसक थे, लेकिन जो प्रचलित मीमांसक हैं उनको ये अभिमत ना हो, उन्होंने अपनी उहा करके एक उहा दी है। तो एक तरफ हो सकता है कि भाई मीमांसकों को अभिमत ना हो, तो मीमांसकों को अभिमत नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हैं, मीमांसक प्रमाण है दूसरे तो उनको अभिमत नहीं हो, फिर अभिमत नहीं हो फिर भी कह रहे हैं, इसमें क्या वक्ता का तात्पर्य है? वो उन मीमांसकों को किस रूप में देख रहा है और अपनी बात को किस रूप में देख रहा है? अपनी बात को सत्य ही मान करके बोला जा रहा है कि नहीं ये ठीक है ऐसा करना चाहिए, और जिनको मीमांसक के रूप में, मीमांसक तो एक बड़ा प्रतिष्ठा वाला शब्द हो गया, ये मीमांसक है योग्यता को बताने वाला है, लेकिन अभी हम मीमांसक का मतलब क्या हो गया, तथाकथित मीमांसक जो मीमांसक के नाम से प्रसिद्ध है, और उसमें दोष देखा जा रहा है। तो कभी इस तरह की वाक्यावली हो तो भी उसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि वक्ता, नहीं तो वो कहेगा नहीं जी मैंने ऐसा सोचा तो था लेकिन मीमांसक लोग तो इसको मानते नहीं इसलिए मैं इसको नहीं बोलूंगा, तो व्यक्ति क्यों बताएगा कि मैंने ये गलत सोचा, और फिर उस अपनी मूर्खता को कौन बताएगा, मैंने देखो ऐसी मूर्खता की गलत है। हाँ सिखाना हो तब तो ठीक है, नहीं तो सामान्यतया कोई नहीं बताएगा ऐसे, ऐसे में तो ये इस बात को रखेंगे ही नहीं। तो देखिए व्याकरण की क्या परिकल्पना है यहां पर, तो व्याकरण शास्त्र में लक्षण की लक्ष्य में प्रवृत्ति विषय में दो पक्ष उपस्थित है। लक्षण का मतलब है सूत्र और लक्ष्य का मतलब है वो शब्द जहां का भी वो सूत्र लग रहा होता है उसको लक्ष्य बोलते हैं, लक्षण और लक्ष्य। तो तदनुसार उदाहरण दिया इन्होंने इको यणचि, तो इक के स्थान पर निर्णादेश होता है। सूत्र, ये सूत्र, यह एक सूत्र ही एक साथ उन सब लक्ष्यों में जहां संहिता में इक के स्थान में इक नहीं इक से परे अच होवे यणादेश का विधान करता है, इक से परे अच होवे तो यणादेश का विधान कर देता है। तो इस पक्ष में एक ही सूत्र की प्रवृत्ति सब लक्ष्यों में एक साथ होती है। हम प्रथम दृष्टया यही देखते हैं भाई ये सूत्र है, नियम दे दिया, वो हर उन शब्दों में जाके लगेगा संधियों में जहां जहां इसकी गति है, एक ही सूत्र से सब उदाहरण यानी लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष है ये उस तरह से कह रहे हैं जैसे स्वर्ग कामो यजेता, अब स्वर्ग काम में अब वो कहां का लगेगा, कहां का लगेगा, ये जो कर्म करे दर्शपूर्ण मास या ज्योतिष्टोम करे स्वर्ग की कामना वाला वो किस किस कामना से करे, ये एक ही वचन सब जगह लग रहा है, ये भी एक शैली है। अब दूसरी शैली दूसरा पक्ष प्रति लक्ष्यम लक्षण प्रवृत्ति, जितने भी लक्ष्य हैं उनके प्रति सूत्र अलग अलग लगेगा। एक जगह इकोणसी लग रहा है उसके लिए एक सूत्र हो गया, दूसरे शब्द में फिर लग रहा है वहां पर फिर एक सूत्र लगेगा, सब जगह वो अलग अलग सूत्र जा जा करके लग रहे हैं भिन्न भिन्न ढंग से। अब वो इकोयणची वहां लगता हुआ कहीं ई के स्थान में होगा, कहीं ऊ के स्थान में होगा, कहीं को जहां जो लग रहा होगा उस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, पूरा इकोयणची नहीं लगेगा, जहां जिस उदाहरण में जो जो अंश लग रहा है ना वो उस रूप में सूत्र को बनाएंगे, फिर यहां पर इसकी जगह ये होता है, यहां पर इसकी जगह ये होता है, यहां पर इसकी जगह ये होता है, सब जगह। हालांकि इस ढंग से कहानी है व्याकरण में, वहां तो उसी पूरे सूत्र को वहां ले जाए, लेकिन वहां उस जगह जाकर के जिस तरीके से लग रहा है बस वही सूत्र बनेगा वहां पर उस उदाहरण के लिए। जैसे आगे युधिष्ठिर जी व्याख्या कर रहे हैं ना उस ढंग से मैं ऐसा बोल रहा हूं। इस पक्ष में जितने लक्ष्य हैं उन सबके लिए इकोयणचि भिन्न भिन्न सूत्र है, अलग अलग इतने सारे इकोयणचि हैं। इस प्रकार प्रकृति में जितनी कामनाएं हैं उन सबके लिए दर्शपूर्ण महासभ्य हम यजेत आदि वचन भिन्न भिन्न है, जितनी भी कामनाएं सबके लिए दर्शपूर्ण महासभ्य हम यजेत अलग अलग है, सभी कामनाओं के लिए दर्शपूर्ण मास का विधान है, किस वचन के साथ किस कामना का संयोग होवे इसके लिए दर्शपूर्ण मास अभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, यह स्वर्ग कामना संयुक्त विशेष वचन कह दिया,
इसी प्रकार के तत्तत् कामना युक्त वचन ऊहनीय है, उस कामना से युक्त वचन ऊहनीय है। इसका मतलब है कि दृष्टपूर्ण मासाभ्याम अब स्वर्ग कामो, स्वर्ग काम की जगह पे पुत्र कामः, धन कामः, स्वास्थ्य कामः, आयु कामः, जिस जिस कामना वाले हैं उसको लगा करके यजेते बन जाएगा। सामान्य रूप से दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता या दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग काम हो यजेता, होते हुए भी ये जिस जिस के प्रसंग में लगेगा, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी अलग कामना है, दूसरे की अलग कामना है, तो वहां वो सूत्र किस रूप में पहुंचेगा? जो हमारी कामना है वो कामना वहां पर उसमें जुड़ जाएगी, ऊह हो जाएगी, और वो वाक्य हमारे लिए उस तरह से बन जाएगा। प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न उपदेश होगा और वो ऊहा करके होगा। तो अब इस दृष्टि से मैं इकोयोनिची को देख रहा था कि इकोयोनिची सब उदाहरणों में लगेगा, तो इकोयोनिची यूं का यूं जा करके नहीं लगेगा, वहां जिस रूप में चाहिए। अलग अलग ढंग से जाएगा। अभी सामान्यतः तो हम व्याकरण में क्या समझते हैं, जब हम हर लक्ष्य के प्रति सूत्र लक्षण जाता है तो जू का तू जाता है, हम ये देखते हैं ना, इकोयोनिची ही वहां गया, इकोयोनिची ही वहां गया, इकोयोनिची ही वहां गया। अगर गया भी तो भी लग किस तरह से रहा है, वो जो जैसा वर्ण है उसी रूप में वहां पर लग रहा है, पूरा तो लगता ही नहीं, घटता ही नहीं, सारा घट ही नहीं सकता एक जगह पे। तो इसी तरह से दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, ये वाक्य या शास्त्र में वेद में कहे गए वचन जिन कामनाओं से युक्त, ये व्यापक रूप से कहें, हमारे साथ में जब जुड़ेगा तो हमारे साथ जुड़ जाएगा। अब जैसे अब यज्ञ के बाद में हम बोलते हैं, यजमानों को आशीर्वाद देते हैं, सत्याः संतु यजमानानां या यजमानस्य कामः, वो कौन सी काम कामना है? हमने वहां उल्लेख तो नहीं की है सबकी, कई हो तो सब अपनी अपनी कामना वहां पर जोड़ लेंगे जिसकी जो होगी। सत्याः संतु, सफलः संतु, सुफलः संतु, यजमानस्य कामः, कौन सी कामना? हमने तो सामान्य शब्द कहा है। अगर कुछ विशेष होगा तो इसी वाक्य में हो जाएगा। काम की जगह पर हम कहेंगे धन की कामना, हम कहेंगे पुत्र की कामना, वो विशिष्ट विशिष्ट कथन भी कर सकते हैं। अगर सामान्य कथन भी है तो वो जहां जहां लगेगा वो उस रूप में लगेगा। वहां हम ये नहीं कहेंगे यहां तो स्वर्ग काम लिखा है, तो जब ये कर रहे हैं तो इसको किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, इस तरह से अभिप्राय नहीं है शास्त्र का कि वहां कामना उसकी कुछ भी हो और जब वो उसी कर्म को कर रहा है तो हम उस वचन को उठा करके ले आए कि हाँ नहीं, यहां तो ये लिखा है तो आपको वो सब चीजें प्राप्त होंगी। नहीं, उसकी अपनी जो कामना है उसके अनुरूप उहित होकर के वो वचन लगेगा और उसको वही मिलेगा। यत कामास्ते जो होम तन्नो अस्तु, जिस कामना वाले होकर के हम होम करें वह कामना हमारी पूरी हो। ये नहीं कि उससे जो जो भी होता है वो सब हमारे को मिल जाए, नहीं, हमारे को केवल वही चाहिए जो हम चाहते हैं। हम सारा हमारा निवेश, हमारा सारा पुण्य या जितना हम चाहते हैं हम इसी के लिए चाहते हैं, बाकी चीजों के लिए हम व्यर्थ नहीं करना चाहते अपना पुण्य। जो हमारा बैंक बैलेंस है हम बिल्कुल वही चीज चाहते हैं जो हमारे को चाहिए, वो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषा